सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 6.3 प्रश्न 10। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों, हमें क्या करना, सबसे छोटी वर्ग संख्या बतानी है जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। प्रश्न नंबर 10 सेम प्रश्न नंबर 9 की तरह है, ठीक है। अगर आपने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देख लें बच्चों। जब ऐसी स्थिति हो आपसे ये कहा जाए कि सबसे छोटी संख्या बताइए जो 8, 15, 20 से विभाजित हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्याएं दी हैं उनका लासा निकालते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लासा निकाल लेते हैं, फिर आगे जो प्रक्रिया होगी वो हम करेंगे। हल 8, 15 तथा 20 का लासा, लासा मतलब एलसीएम, लासा लेने पर। और बच्चों लासा हम कैसे लेते हैं, हमें 8, 15 और 20 का लासा लेना है तो हम इन तीनों संख्याओं को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या से इसे विभाजित करना शुरू करते हैं। हमें एक ऐसी संख्या लेनी होती है जो कम से कम इनमें से एक संख्या को विभाजित कर दे, तो वो है 2। 2 × 8 चार बार में हो जाएगा 8। 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता है, यानी 2 से 15 विभाजित नहीं होता है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दें। और 2 × 20 फिर हमें 2 से ही इसको विभाजित करना, क्योंकि 4 और 10 2 से विभाजित हो जाता है। 2 × 4 15 ऐसा ही रहेगा और 2 × 5 10 फिर 2 से विभाजित करना है, क्योंकि अभी 2 है हमारा इसमें। 2 × 1 = 2 15 ऐसी रहेगा, 5 भी ऐसी रहेगा, ठीक। अब एक संख्या हमारी पूरी तरह विभाजित हो चुकी है, एक आ गया है। अब हमें 3 से विभाजित करना है 15 को, 1 × 3 = 15 और 5 ऐसी, ठीक। फिर 5 से विभाजित करेंगे, 1 × 5 = 5 5 × 5 जैसे ही यहाँ पर एक एक हो जाता है, ये सारे जो गुणनखंड आए इनकी गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एलसीएम 8, 15 और 20 का, ठीक। तो इसको हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर बराबर लगाएं और 2 × 2 × 2 × 3 × 5 ठीक, इनकी सबकी हम गुणा कर देते हैं। अब दो दूनी 4, 4 × 2 = 8 8 × 3 = 24 और 24 × 5 = 120 कितना होता है, 24 × 5 = 120, ठीक है। 2 × 4 × 8 × 3 = 24 24 × 5 = 120 20 × 5 = 100 4 × 5 = 120 ठीक, 120। इन सब का लासा क्या हुआ, 120। और ये 120 क्या है, वह सबसे छोटी संख्या है जो 8 से भी विभाजित होगी, 15 से भी और 20 से भी। लेकिन क्या ये है संख्या एक वर्ग संख्या है, देखिए ये क्या है, ये 120 के अभाज्य गुणनखंड हैं, इनके आप जोड़े बना लो, 2 का जोड़ा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ना तो अगले 2 का जोड़ा बनाया, ना 3 का जोड़ा बनाया, ना 5 का जोड़ा बनाया, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे इनके जोड़े बन जाएँ। तो अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो 2 का जोड़ा बन जाएगा, 3 से गुणा करें 3 का जोड़ा बन जाएगा, 5 से गुणा करें तो 5 का जोड़ा बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि 120 के अभाज्य गुणन खंडों में, ये जो है अभाज्य गुणन खंड, ठीक है, में 2, 3 तथा 5 का जोड़ा नहीं है, ठीक है, कहीं है नहीं है, अतः 2, 3 तथा 5 का जोड़ा बनाने के लिए
120 को 2 × 3 × 5 से गुणा करना होगा, से गुणा करना होगा। इसका मतलब बच्चों क्या है, 2 से गुणा करेंगे 2 का जोड़ा बन जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 का जोड़ा बन जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5 का जोड़ा बन जाएगा। इसका मतलब हमें इन सभी से क्या करना है, 120 को गुणा करना है। ये क्या है, 120 के अभाज्य गुणनखंड है तो इसमें हमें गुणा करना है। ठीक है, इस प्रकार जब हम गुणा कर देंगे तो इस प्रकार प्राप्त संख्या, गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, ठीक है, 8, 15 तथा 20 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक, अर्थात 120 गुणा 2 × 3 × 5 इन सब की हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे तो ये सब हो जाएगा 3600। कितना हो जाएगा, 3600। और यही 3600 क्या होगा, हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो उसमें ये जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं इनके जोड़े होते हैं। जबकि हमने यहाँ एलसीएम निकाला, ये एलसीएम क्या है, 8, 15, 20 से पूरा विभाजित है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने क्या किया, 2 का जोड़ा कर लिया, 3 का भी जोड़ा कर लिया और 5 का भी जोड़ा कर लिया। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको 2 × 3 × 5 से गुणा कर दिया तो हमें 3600 प्राप्त हो जाता है, जो कि क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।